आईपीएल 2024 से पहले मिनी ऑक्शन का आयोजन किया गया और इस मिनी ऑक्शन में कई खिलाड़ियों की किस्मत चमक गई। इस मिनी ऑक्शन में मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस जैसे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों पर पैसों की बारिश हुई। पैट कमिंस 20.5 करोड़ तो वहीं मिचेल स्टार्क 25.25 करोड़ रुपए में बिके हैं। तो वहीं कुछ ऐसे दिग्गज खिलाड़ी भी रहे जिन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। एक तरफ जहां कई गुमनाम खिलाड़ियों पर भी पैसों की बारिश हुई, तो वहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ चुके कई दिग्गज खिलाड़ियों को मिनी ऑक्शन में कोई भी खरीदने के लिए दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। चलिए इस वीडियो में आपको इंटरनेशनल क्रिकेट के उन दिग्गज खिलाड़ियों के बारे में बताते हैं जिन्हें मिनी ऑक्शन में कोई खरीदार नहीं मिला। आईपीएल मिनी ऑक्शन में अनसोल्ड रहने वालों में स्टीव स्मिथ समेत कई बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं। ये खिलाड़ी अनसोल्ड रहे, इस फेरिस्त में कई बड़े इंटरनेशनल नाम शामिल हैं। इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज फिल सॉल्ट के अलावा आदिल रशीद और टाइमल मिल्स अनसोल्ड रहे। वहीं ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज जॉश इंग्लिश, स्टीव स्मिथ और जॉश हेजलवुड नहीं बिके। इस ऑक्शन में श्रीलंका के कुसल मेंडिस और दुश्मंता चमीरा को खरीददार नहीं मिला। वहीं न्यूजीलैंड के इसोडी, माइकल ब्रेसवेल और एडम मिल्ले, मैट हेनरी भी अनसोल्ड रहे। साउथ अफ्रीका के तबरेज शमसी और रासी वेंडरड्यूसन पर टीमों ने बोली नहीं लगाई। वेस्ट इंडीज के अकील हुसैन, कीमो पॉल और ओडियन स्मिथ को निराश होना पड़ा। इस तरह कई इंटरनेशनल खिलाड़ी ऑक्शन में नहीं बिके। बताते चले कि इस ऑक्शन में ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क सबसे महंगे बिके। मिचेल स्टार्क को केकेआर ने 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद ने पैट कमिंस को 20.50 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ा। इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स ने तकरीबन 14 करोड़ रुपए में डेरिल मिचेल को अपनी टीम में शामिल किया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर आप अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा, साथ ही साथ ये भी बताइएगा जो अनसोल्ड खिलाड़ी रहे उनमें सबसे हैरान करने वाला नाम आपके हिसाब से कौन है।